रहा वो भोजनशाला जो बताया था हमें भैया ने। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ना पोर्ट्रे किया हुआ है। यहाँ पे बैठे हुए लोग कैसे खाते थे उस जमाने में, पूरा अंदर दिखेगा आपको। ये उनके बर्तन भी हैं, अभी तक वही वाले हैं प्रिजर्व किए हुए पुराने। उसमें आप देख भी सकते हो क्या क्या व्यंजन मिलते थे। 56 लोग। हाँ महाजन, अगर इनमें से एक भी हिल गया ना बैठा हुआ तो भी सब भाग जाएंगे। हमें इतने बड़े ग्लास में तो पानी पीते थे, तो पता नहीं क्या पीते थे, पर ये इतने बड़े ग्लास हैं। वो बैठे भी हैं यार, बड़े बहुत ज्यादा सील है। ये भट्टी जो उन्होंने बताया था यहाँ पे चलती है। ये देखो, ये रहे वो लोग, यहाँ पे मसाले वसाले बनाते थे। ये खाना पूरे कोयले वोयले गर्म कर रहे हैं यहाँ पे। रोटी बना रही है, मसाले मसाले। ये देखो यार इनके यूटेंसिल्स देखो, ये कढ़ाई यहाँ पे, ये खाना बनता होगा, ये पूरा दिखा रखा है इन्होंने बनता हुआ। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन कर रखी है इन्होंने, पुरानी ही चीजें हैं। ये पहले आदमी आटा गूंथते थे वो दिखाए गए। इतना सारा दो दो लोग लगते थे, नहीं एक रोटी बेल रहे। चिमटा देख समझो, वो देख बड़े वाला वो चिमटा देखो अपन का। ये भट्टी एक और मेरे ख्याल से, जो ये छोटी सी कढ़ाई और ये जो ऊपर रखा है तवा होगा इनके टाइप का, इनके टाइम का वैसा बड़ा टा। हाँ इस पे ज्यादा रोटी बन पाती होंगी। हाँ ये तवा होगा, बिना पलोथन के बना रहे सिटिंग एरिया। यहाँ पे कुछ नहीं है, पानी पीने की जगह। ये गेहूँ छानने वाले, यहाँ पे चक्की का आटा पीसते थे, यहाँ से वो छान के देते थे और यहाँ पे पीसते थे और वहाँ पे फिर आटा गूंथता था और रोटी बनती थी। ताज़ा ताज़ा सारा काम होता था इंस्टेंट। और ये यहाँ पे लेडीज वाला डाइनिंग हॉल है पूरा। यहाँ पे बीच में एक पर्दा डाल देते थे वो लोग, जैसे हमें बताया था उन्होंने, एक तरफ जेंट्स बैठते थे और एक तरफ लेडीज बैठती थी। बीच में पर्दा होता था जो एक दूसरे की प्राइवेसी बनी रहे। पीछे आप देखो दासियां होती थी वहाँ पे। पूरे ये बुफे सिस्टम होता था, तो वहाँ पे आप देख सकते हो डिशेस रखी हुई हैं पहले से। ये पूरा डाइनिंग एरिया है, ये लेडीज और ये जेंट्स, और बीच में पर्दा होता था यहाँ पे प्राइवेसी के लिए उन लोगों के ना। सामने सामने अगर राजा रानी होते थे तो वो साथ में खा लेते थे, बट ये 17वीं सदी में हुआ था। देखो आप जनाही शाही भोजनालय, कोई सेनापति है कोई मंत्री। ये है ललित मंदिर। ये कूलर होते थे उस जमाने के, जैसे हमें उन्होंने बताया था। ये कूलर्स हैं, आप देख लो उस टाइम की टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे ये है सागर छतरी, जहाँ पे राजा जब उदास होता था तो यहाँ पे जाता था, यहाँ से उसे पूरा समुद्र दिखता था और वो खुश हो जाता था। सब यहीं से वो देखता था, यहीं से राजा। पूरी वॉल दिखेगी आपको, जो बाउंड्री है ना वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट वॉल है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी आपने सुना है। वैसी वॉल्स पूरी यहाँ से दिखती थी राजा को, जो कनेक्टेड है यहाँ पे तीन जो फोर्ट है, जयगढ़, नाहरगढ़ और आमेर, वो पूरे कनेक्टेड है उस वॉल से, तो यहाँ से सब कुछ दिखता है आपको। ये देखो ये पूरी जो वॉल्स वाले स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको वॉल्स, ये पूरी वो कवर्ड है पीछे तक। वो वाला पॉन्ड दिखता था राजा को तो वो खुश हो जाता था, यहीं आके वो जब भी परेशान होता था एक सीमा महीने को लेके, तो यहीं पे आता था। वो थोड़ा लेके आएगा, पहाड़ों से पानी नीचे चलाया था। नहीं पीने वाला यहाँ पे अब पानी नहीं है, पहले होता था, बस अब नीचे भी दिख रहा है वहाँ पे। ये रहा यार वो फाउंटेन, जब यहाँ पे फुल फ्लो में पानी होता होगा तो बहुत सुंदर लगता होगा यार।
तो यार बहुत सुंदर है जयगढ़। हमने सुना था कि यहाँ पे कुछ नहीं है, बट अभी तक तीनों फोर्ट्स में सबसे अच्छा ही है। बहुत अच्छी हिस्ट्री है, बहुत कुछ है यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में आपको सीखने के लिए। बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है, और जो भी देखोगे आप बहुत ही सिस्टमेटिक वे में पूरा बना हुआ है यार। पूरे जयपुर के जितने भी फोर्ट्स हैं ना, बहुत सिस्टमेटिक है और बहुत सुंदर है। मतलब अभी भी जो मतलब पुराने थे ना, जो अभी करंट राजा भी हैं, वो भी रहते हैं पैलेसेस में रहते हैं। जितने पैलेस हैं यहाँ पे वहीं पे स्टे करते हैं, तो वो स्पॉट है। और आप कहीं से भी निकलोगे ना तो आपको नई जगह दिखती है। एक गार्डन है, रॉयल गार्डन ना पूरा, मैं दिखाता हूँ आपको पीछे। रॉयल गार्डन है तब के टाइम का, आप देखो यार कितना प्यारा है, कितने अच्छे से मेंटेन किया है। और अभी भी ना करेंटली ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में आता है अभी भी, जो अभी करंट राजा है वो ही ये सब कुछ मैनेज करते हैं। ये अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है। जयगढ़ उस दिन रात में देखा था जल महल, तो आपको मैं दिन में दिखाता हूँ कैसा लगता है। तो वो पीछे है जल महल, और ये जितनी भी नीचे आपको दिखे हैं ना, ये बत्तखें हैं, सारे डक्स हैं, वो दिखाते हैं। देखो यार
ये जल महल है और ये डक्स हैं सारे। तो कुछ मार्केट लगता है यहाँ पे डेली, बहुत बड़ा मार्केट है, छोटे से छोटी चीज़ मिलती है यहाँ पे, ऑथेंटिक चीज़ें भी मिलती हैं खाने पीने का, ये बच्चों के खेलने का, तो अच्छा खासा मेल है जैसे लगता है। तो आप आ सकते हो यहाँ पे, अच्छा है, फ़ोटो भी क्लिक करा सकते हो ऐसे ड्रेसेस में, वो भी अवेलेबल है यहाँ पे हर जगह। बाकी और व्यू तो आप देख ही रहे हो। यहाँ पे बन्ना कैफे में चाय के लिए और मैगी के लिए, बहुत थक गए हैं यार थक के चूर हो गए हैं, चल चल के फोर्ट में ना पैरों की हालत नाजुक हो गई है, अब गाड़ी चला के भी जाना है इतनी दूर, तो इसलिए रिस्टोरेशन के लिए चाय पी लेते हैं और निकलते हैं फिर अपने सफ़र पे, रात के सफ़र पे।